नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल फिनोलॉजी मार्केट में। आज हम लोग आपको जो बजट आज आया है उसके बारे में डिस्कशन करके आपको उसका इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस बजट को पूरा समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड नोटिफिकेशन घंटी का बेल ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बजट की बातें। धन्यवाद दोस्तों, शुरू करते हैं चलिए बजट की बातें। अभी जो बजट आया है उसके बारे में हम लोग अभी आज बात करने वाले, आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। और पहले हम लोग शुरू करते हैं टैक्स से। टैक्स में आपको बताना चाहेंगे कि 5 से 7.5 लाख कमाने वाले को 10% ही टैक्स लगेगा, और 7.5 लाख से 10 लाख रुपये कमाने वाले को 15% हो जाएगा टैक्स स्लैब। 10 लाख से लेकर 12.5 लाख कमाने वाले को 20% हो जाएगा। 12.5 लाख से 15 लाख रुपये कमाने वाले को 25% टैक्स भरना पड़ेगा, और 15 लाख से ऊपर आमदनी पर 30% तक का आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। दोस्तों ये है न्यू स्लैब जो अभी ये बजट में दिया गया है, और ये जो टैक्स है 60 साल के उम्र के नीचे के लोगों के लिए है ये। और अभी हम लोग आपको बाकी जो बजट में आया है इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अभी आगे की जानकारी। LIC का नाम तो आप लोगों ने सुना ही रहेगा। LIC में भी सरकार जो है IPO के जरिए हिस्सेदारी बेचने का सोच सकते हैं, अभी ये घोषणा किया गया है। LIC में जो है सरकार IPO ओपन कर सकता है और उसमें हिस्सेदारी बेचेंगे। सरकार की कुछ प्रतिभूतियों के सिर्फ अप्रवासी निवेशक के लिए भी खोला जाएगा। निवेशक का भरोसा बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कानून लाएंगे। 22,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए दिए जा चुके हैं। IPO के जरिए LIC में हिस्सेदारी बेचने का भी प्रस्ताव है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए नकदी की कमी दूर करने की व्यवस्था भी किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.3% से बढ़ाकर 3.8% किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के लिए 3.5% का लक्ष्य है। तो दूसरी खबर ये है कि OBC जो हम लोग के भाई है, भाई बहन है OBC और SC, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। उन लोगों के लिए भी सरकार ने 85,000 करोड़ रुपये का खर्च करने का सोचा है। उसमें से जो हम लोगों के अनुसूचित जाति के विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। 53,700 करोड़ रुपया अनुसूचित जनजाति के विकास पर खर्च किए जाएंगे। उसके लिए अभी काम भी शुरू कर चुके हैं दोस्तों। और महिलाओं के लिए भी बड़ी खबरी है। महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके लिए 28,600 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। 6 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 10 करोड़ घरों के महिलाओं तक पहुंचाने के लिए स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो जो गांव में पिछड़े लोग हैं, उन महिलाओं हैं, उन लोगों के लिए भी स्मार्टफोन दिए जाने की व्यवस्था किए जाएंगे। वो पोषण आहार से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। एक स्टाफ फोर्स 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देंगे गवर्नमेंट को महिलाओं के बारे में। महिलाओं से जुड़ी योजना पर 28,600 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं दोस्तों। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी करीबन 6,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे गवर्नमेंट की ओर से। देश भर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। आंगनवाड़ी, डाकघर, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़े जाएंगे। भारत नेट के जरिए इसी साल 1 लाख ग्राम पंचायत को डिजिटल कनेक्टिविटी मिल जाएंगे। इस पर 6,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे टोटल। और एक नया केंद्र बनाया जाएगा जो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करेंगे, और नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर बनाए जाएंगे। 2 नेशनल लेवल साइंस जो स्कीम है वो भी बनाए जाएंगे दोस्तों। तो इसमें भी देखा जा रहा है कि डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर भी गवर्नमेंट ने अच्छा खासा ध्यान दिया, जिसके लिए 6,000 करोड़ तक भी खर्चा करेंगे अभी। और एजुकेशन सेक्टर के लिए भी अच्छा खासा एक न्यूज़ आ गया। एजुकेशन सेक्टर में जो है दोस्तों 91,300 करोड़ रुपया खर्च करने की राशि रखी गई है। तो एजुकेशन सेंटर के लिए भी बहुत ही खुशखबरी यही है। और आपको बताना चाहेंगे कि
हाशिए पर मौजूद जो निब के बच्चे के क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो भी ऑनलाइन एजुकेशन है उसके द्वारा आपको पता ही है अभी ऑनलाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑनलाइन ई कॉमर्स पकड़ लीजिए, एजुकेशन पकड़ लीजिए, एजुकेशन में भी बहुत सारे जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन आ गए हैं उसके द्वारा ही बच्चे लोग अभी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देंगे। भारत टायर एजुकेशन का भी पसंदीदा देश हो जाएगा भारत जो है। मतलब अभी गवर्नमेंट ऐसा बताया जा रहा है कि इतना खर्चा करने के बाद भारत में हायर एजुकेशन जो है बहुत अच्छा मिलेगा। और स्टेड इन इंडिया प्रोग्राम को एशिया और अफ्रीका देशों में बढ़ावा दिया जाएंगे। 91,300 करोड़ रुपया एजुकेशन सेक्टर पर खर्च होगा। जल्द ही नई शिक्षा नीति भी घोषित हो जाएंगे दोस्तों। जैसे ही नया शिक्षा नीति घोषित हो जाएंगे दोस्तों हम लोग ज़रूर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों हेल्थ सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने जो है 69,000 करोड़ रुपये का खर्च किया है दोस्तों। तो ये सब देख के आपको ये बताना चाहेंगे हम लोग कि अभी जो बजट आया है मुझे ऐसा लगता है और हम लोग के यूट्यूब चैनल के लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा बनने वाला है। एंड गवर्नमेंट को बहुत ही बहुत शुक्रिया बजट के लिए दोस्तों। इस जानकारी में से कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर और भी कुछ स्पष्टीकरण चाहिए ये जानकारी में से दोस्तों, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ नीचे कमेंट पे बता दीजिए, हम लोग उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज़ एंड प्लीज़ आप बिना देखे बजट के बारे में कुछ अलग से जो है सो मत सोचिए। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये जो अभी इन्फॉर्मेशन दिया आपको वो देखिए। सरकार ने ये बजट को बहुत ही अच्छी तरह से जो है बताया है और बहुत लंबा टाइम तक इन्होंने 2.2 घंटा 40 मिनट का कुछ तो था अच्छी तरह से इन्होंने जो है समझाने की कोशिश की है, स्पष्टीकरण देने का कोशिश किया है दोस्तों। तो आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप ज़रूर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए और कुछ भी स्पष्टीकरण चाहिए तो हम लोग को भी पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आपको ज़रूर ट्राई करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन देने का। हम लोग और भी रिसर्च कर रहे हैं बजट के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो ज़रूर हम लोग को मिलेगा तो इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे दोस्तों। प्लीज़ एंड प्लीज़ हम लोग का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड शुक्रिया, धन्यवाद।